दोस्तों, क्या आप भी नसों में ब्लॉकेज, हड्डी का दर्द, कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना, डायबिटीज का होना, खून का गाढ़ा होना, जॉइंट्स में पेन रहना जिसकी वजह से सूजन आ जाना, रोजाना के काम करने में दिक्कत होना, इन जैसी समस्याओं से परेशान हैं? आपने बहुत सी दवाइयां भी खा ली, लेकिन उनका असर कुछ समय के बाद नहीं रहता, फिर दोबारा से आप इन समस्याओं से जूझने लगते हैं। तो इन सब समस्याओं से छुटकारा आखिर कैसे पाएं? इसका जवाब हम लेकर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से इन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस उपाय को करने से आपको उनसे भी राहत मिलेगी। यह उपाय आपको चुस्त दुरुस्त बनाएगा, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। इसको आपको एज ए टॉनिक यूज करना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी टॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी अलसी की। दोस्तों, अलसी में होता है लायरोरिक एसिड, साथ ही साथ ये कैल्शियम और प्रोटीन का खजाना है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, तो अलसी आपके लिए बेहद ही उपयोगी है। यह आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है। अलसी आपके जोड़ों के दर्द को दूर करती है, उसमें आई सूजन को दूर करती है, साथ ही साथ जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है या फिर जुखाम रहता है, दमा रहती है, खांसी रहती है, उनके लिए अलसी अमृत का काम करती है। अलसी वात कफ दोष को दूर करती है। दोस्तों, साथ ही साथ अलसी थायराइड में भी बेहद ही उपयोगी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक पैन में 3 से 4 चम्मच अलसी डालकर आपको हल्का हल्का इसको भूनना है। बहुत जलाना नहीं है आपको अलसी को, हल्का हल्का इसको ड्राई रोस्ट करना है। जब अलसी भूनने लगेगी तो थोड़ी थोड़ी ऊपर उठने लगेगी। जैसे हम मक्के के दानों को भूनते हैं वो ऊपर उठते हैं, ठीक उसी तरह। और जब ये भून जाएगी तो इसमें एक अलग सी साइन आ जाएगी। इसको भून जाने के बाद आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। इसके बाद आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। इसके बाद आपको इसमें जो ऐड करना है वो है सोंठ पाउडर, जिसको हम अदरक का पाउडर भी बोलते हैं। सोंठ पाउडर क्या करता है दोस्तों, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, जिससे आपकी नसों की ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, हड्डियों के पेन में राहत मिलेगी, जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंक देगा। साथ ही साथ ये डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 1 चम्मच सोंठ ऐड कर देंगे। आप सोंठ पाउडर बाजार से ले सकते हैं या फिर घर में अदरक को सुखाकर उसका पाउडर बना लें। इसके बाद आपको इसमें 1/4 चम्मच दालचीनी ऐड करनी है। दोस्तों, ध्यान रखें, जितनी मात्रा हमने बताई है उतनी मात्रा का ही उपयोग करना है, इससे ज्यादा ना रखें। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है, साथ ही साथ हड्डियों के दर्द और नसों के रोगों के लिए दालचीनी बेहद ही उपयोगी है। अगर आपको जॉइंट प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बैक पेन रहता है, इन सभी प्रॉब्लम को भी दालचीनी दूर करती है। साथ ही साथ एसिडिटी, जो कि आजकल एक आम प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करती है। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है। हल्दी आपके जॉइंट पेन, आपके लीवर, शुगर लेवल को मेंटेन रखना, नसों की ब्लॉकेज को दूर करना, और अनेकों गुण हैं हल्दी के, जिनके बारे में आप भी जानते होंगे। हाँ दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, हल्दी को आपको गांठ के रूप में बाजार से खरीदना है और घर पर इसका पाउडर बनाना है। मार्केट की पिसी हुई हल्दी आपको यूज नहीं करनी। अब ये आपका टॉनिक तैयार हो चुका है। दोस्तों, आपको इसको दूध के साथ लेना है। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच इस टॉनिक को मिलाकर रोज रात को सोने से पहले लेना है। आप इसका उपयोग 20 से 25 दिन तक लगातार करें। इसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी सारी समस्याओं का निपटारा जड़ से हो जाएगा। नसों की ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होने लगेगा, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहने लगेगा, आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत है, एड़ियों में दर्द रहता है, बैठे बैठे आपके हाथ पैर सो जाते हैं, तो आप इस उपाय को करके देखिए। आपको 1-2 दिन में ही इसका असर दिखने लगेगा। दोस्तों, इस फॉर्मूले को यूज करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे साझा जरूर करें, ताकि उनको भी उनकी समस्याओं से निजात मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे
चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।